हुई। नॉर्दर्न एक बार फिर गैस जमा के लिए तैयार, एक साल में तीसरी बार कीमतों में इजाफा मांग लिया। ओग्रा में दरख्वास्त पर आज सुनवाई होगी। कीमत 4489 रुपए फी एमएम बीटीयू करने की तजवीज। बिलों में औसतन 155% तक इजाफा होगा। 600 रुपए बिल जमा कराने वालों को 1500 रुपए बिल देना होगा। गजा में अम की कोशिश में बड़ा ब्रेक थ्रू। इसराइल 40 सरगमानियों के बदले 700 फलस्तीनी कैदी रिहा करने पर आमादा। कतर मुज़ाकरात में इसराइली हुकाम ने रजामंदी जाहिर कर दी। फहरिस्त में उम्र कैद की 100 कैदी भी शामिल। उम्र कैद पाने वाले 7 फलस्तीनियों को एक खातून फौजी के बदले रिहा करने की तजवीज़। खैर पख्तूनख्वा हुकूमत शहबाज शरीफ की नकल कर रही है। अली अमीर ने ख्वाब में ट्रेन चलानी होगी, ना ट्रेन चलने वाली है ना सूबाई हुकूमत। कैप्टन रिटायर सफदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा खैर पख्तूनख्वा में आटा नहीं, बानी पीटीआई को जेल में देसी मुर्गे और अंडे मिल रहे हैं। इतनी अयाशी उन्होंने पूरी जिंदगी में नहीं की जितनी जेल में कर रहे हैं। साहिवाल के नवाही गांव में घरेलू नाचाकी पर बीवी ने छुरियों के वार करके शोहर को कत्ल कर दिया। खातून ने शोहर को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। रानीपुर के इलाके सोभो डेरों में बेटे ने घरेलू तनाजे पर बाप की जान ले ली। और दुनिया में साल के पहले चांद ग्रहण का आगाज। चांद की चमक मामूली मांद पड़ गई। अमरीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शमाली और मशरकी एशिया में नजारा। चांद ग्रहण दोपहर 12:12 पर रूट पर होगा। अख्तितम दोपहर 2:32 पर होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।